देखते हैं जी, उनका जो रिस्पांस देखे अपने आप जो है गुजराती माँ के लिए तान चले जाता है, ऐसा जोश आ जाता है, तो वही हर साल वही काम होता है। बस नवरात्र की तैयारी हम कम से कम 3 महीने पहले शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हर साल नए नए कौन से गुजराती गाने ऐड करते हैं वो हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, गुजरात के गाँव में जाते हैं, वहाँ पर लोकल जो सीरीज होती है, लोकल म्यूजिक जो वहाँ पर गाते हैं जी, वो सुनते हैं, उसमें से चुनते हैं, फिर पहले सॉन्ग लिस्टिंग करते हैं, फिर हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर पूरे ग्रुप के साथ हॉल में प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने आने वाली है इस नवरात्र, और इसमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि शामिल है शुमार है 92.7 बिग एफएम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। थैंक विस्क्राफ्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एंड इट्स कॉल्ड जियोनी रंगीला रास गरबा पावर्ड बाय रेनो। इस साल बहुत सारे माता जी के गरबे हम गाएंगे, नए नए कृष्ण के रास भी गाएंगे, कुछ धुने गाएंगे, हिंदी गाने गाएंगे, पंजाबी गाने गाएंगे। मोस्टली मैंने जब से गरबा में गाने की शुरुआत की है तब से मैंने नवरात्रि के नौ दिन जो है मुंबई में ही परफॉर्म किया है, और मुझे ज़्यादातर मैक्सिमम मुंबई में नवरात्रि करना पसंद है। एक साल सिर्फ हम 2010 में गुजरात में गए थे नवरात्रि करने। ये नवरात्रि में मेरा 21वां साल है मेरे अपने ग्रुप के साथ, तो अभी इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमारे जो फैंस हैं, हमारी ऑडियंस है, उसकी चॉइसेस हमें ज़्यादा करके पता लगने लगी है। तो हर साल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारी ऑडियंस को कौन से गानों पर कौन से रिदम में डांस करना पसंद आएगा, तो उस हिसाब से हम गाने सेलेक्ट करते हैं। अंबा